आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहत। नमस्कार, मैं हूं नीलम मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहत। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता ही जा रहा है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 13 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 1403 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं यूपी में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 35,092 हो गई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 913 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना एक्टिव केस 11,490 हैं, जिसमें अभी तक 22,689 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने कहा कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, जो सावधान रहेगा उसे संक्रमण नहीं होगा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में रोज 40,000 कोरोना टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। आज राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला। शहर के चारों ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आई और बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे शहर में 262 जगहों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। लखनऊ से न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। इसको हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, जितने लोगों के मूवमेंट्स होने हैं एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से, इसको अलाउ किया जा रहा है। एसेंशियल सर्विसेज के लिए लोग जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, बाकी आप देख रहे होंगे बिल्कुल सभी दुकानें बंद हैं, प्रतिष्ठान बंद हैं, और इसके अलावा कोई भी अनावश्यक मूवमेंट नहीं है। इसलिए चेकिंग पॉइंट्स 262 जगहों पर और बहुत पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स, आप कहीं भी घुसेंगे तो आप देखेंगे कि वेयर चेकिंग चल रही है, और जो भी इसमें बिना मास्क के दिख रहा है या बिना किसी कारण के निकला हुआ दिख रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। बट हम यह भी फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो स्टेशन से आ रहे हैं, जो किसी मेडिकल कारण से जा रहे हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं। सीतापुर जिले के मिश्रिक तहसील के बीहट बीरम आदिलपुर भदेवर क्षेत्र में टिड्डियों का आक्रमण हुआ, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। मिश्रिक एसडीएम राजीव पांडे क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने किसानों का हालचाल पूछा, साथ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। कल्ली चौराहा, जरगिया, कोरोना, नैमिस, हाजीपुर आदि क्षेत्रों में और क्षेत्र के पंचायत सहित आसपास दर्जनों गाँव में सुबह टिड्डी दल ने धावा बोल दिया था। गाँव के ग्रामीण अपने खेतों में थाली, पीपा, धुआं वह कीटनाशक दवा का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण किसानों का कहना है कि अभी तक किसी अधिकारी ने इस समस्या को संज्ञान में नहीं लिया है, अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो किसानों की जान चली जाएगी। सीतापुर से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन श्रीवास्तव के साथ मिश्रिक तहसील से शुभम दीक्षित की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहत।